तमिलनाडु के कन्नूर में सेना के हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए देश के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 13 अधिकारियों के शोक में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन नगर निगम परिसर में किया गया। इस दौरान नगर आयुक्त विनाश सिंह तथा महापौर सीताराम जायसवाल सहित निगम के पार्षदों व कर्मचारियों ने सीडीएस जनरल विपिन रावत सहित शहीद अन्य कर्मचारियों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि सीडीएस स्वर्गीय विपिन रावत ने देश हित में दुश्मनों का जवाब देने के लिए बहुत ही साहसी कदम उठाए। जब भारत में आतंकवादियों ने पुलवामा में देश के सपूतों को शहीद किया था, उस समय पूरा देश वीर जवानों के लिए दुखी था। उस दौरान उन्होंने आतंकवादियों को पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों को शरण देने वाले पाकिस्तान का छक्का छुड़ा दिया था और यह संदेश दिया था कि भारत के दुश्मन आतंकवादी चाहे जिस देश में छुपे होंगे, उनको ढूंढकर सबक सिखा दिया जाएगा। चीन की सीमा पर चीनी सैनिकों को भी भारत की सीमा में घुसने पर उनके विरुद्ध विपिन रावत के नेतृत्व में सैनिकों ने उन्हें खदेड़ कर सबक सिखा दिया। इनके सूझबूझ, अदम्य साहस, कुशल नेतृत्व के कारण डोकलाम में भी सफलता अर्जित करते हुए विश्व में भारत ने परचम लहराया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, जैसा कि आप अवगत हैं, सैनिक हेलीकॉप्टर क्रैश में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 13 लोगों की देश के लिए सम्मेलन में भाग लेने के लिए तमिलनाडु के उनकी पत्नी और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की मृत्यु हो गई, जिससे पूरा देश स्तब्ध है और इस हृदय विदारक घटना को बयां करने के लिए, अपने दुख को प्रकट करने के लिए किसी के पास शब्द नहीं है। पूरे देश की तरह पूरा नगर निगम परिवार, पूरा जनपद गोरखपुर इस हृदय विदारक घटना पर स्तब्ध है और देश के इन महान सपूतों के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। मैं अपने सम्मानित पार्षदगण और सभी अधिकारी और साथीगण से अनुरोध करूँगा कि सबसे पहले पीछे से एक एक करके लोग यहाँ पर आएंगे और इन देश के अमर शहीदों सपूतों के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। सीडीएस विपिन रावत जी को और उनके साथ शहीद हुए साथियों को गोरखपुर नगर निगम परिवार की तरफ से सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, हमारे सभी सम्मानित पार्षद, उपसभापति, व्यापार मंडल और गणमान्य नागरिकों के सम्मिलित प्रयास से नगर निगम परिसर में नगर आयुक्त महोदय की उपस्थिति में
और हमारे जो जवान हैं सुरक्षा में दिन रात नगर निगम में रहते हैं, कर्नल सीपी सिंह, इन सभी के सहयोग से बिपिन रावत जी को हम लोग आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। बिपिन रावत जी के बारे में जैसा पता है कि पूरी तरह से युद्ध प्लानर थे और जो भी इन्होंने प्लानिंग किया वह पूरी तरह से सफल रहा, चाहे म्यांमार का आतंकवादियों को समाप्त करना हो, उनके सीमाओं में घुसकर उन्हें मार गिराना हो, या पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक करके उन्होंने दुनिया को बता दिया कि भारत कहीं से भी किसी पर अपने दुश्मनों को जवाब देने में सक्षम है। ये हमारे बिपिन रावत जी की देन है और ये पहले CDS है और इन्हीं का सुझाव था और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हें CDS बनाया और उन्होंने वो करके दिखाया। ढोकलाम के युद्ध के समय लंबे समय तक चीन के सैनिकों को सबक सिखाने के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी और अपने को सबसे शक्तिशाली कहने वाला चीन को भारत के नौजवानों ने गर्दन तोड़ करके रख दी। ऐसे बिपिन रावत जी को हम लोग सैल्यूट करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हैं। मैं सभी आज देशवासी अश्रु पीड़ित हैं।